हेलो एवरीबॉडी, सब आ गए? वेरी नाइस, टाइम से पहले आ गए। हाँ थैंक्स भैया, थैंक यू थैंक यू। मेरा सवाल ये सर, ये मिनी ट्रेल फिर ट्रेलर, ये क्या नया कुछ सीन सेट हो रहा है? मतलब सीन सेट हो रहा है प्रमोशन का, मिनी ट्रेल्स फिर ट्रेलर। मुझसे पूछ रहा है, इम्तियाज से पूछ रहा है? सर आप दोनों से पूछ रहा हूँ, आप बोलो जवाब देता हूँ। हाँ सर। हाँ तो यार क्या है, पहले हमारे जो कैरेक्टर्स थे हैरी और सेजल ना दीपक, हम उनको दिखाना चाहते थे मोर देन एक्सप्लेनिंग द स्टोरी। और ट्रेलर जो होता है अमूमन कहानी के बारे में भी होता है सिवाय कैरेक्टर के, तो वो हम चाह रहे थे कि बाद में आए, क्योंकि हमारी फिल्म में दो चीजें बहुत अच्छी हैं। एक वो जो कैरेक्टर है हैरी और सेजल का जो इम्तियाज ने लिखा, तो उसकी इंट्रोडक्शन जरूरी थी, लाजमी थी, ताकि वो पिक्चर देखने आए उनको लगे हैरी और सेजल को जानते हैं। और इसके अलावा हमारा म्यूजिक जो है बहुत खूबसूरत है, जो प्रीतम दा ने दिया है इशाद कामिल साहब के साथ, सो वो हम चाह रहे थे कि उससे ज्यादा लोग पहले परिचित हो जाएं। और जो कहानी है लव स्टोरी है, सो अमूमन लव स्टोरी में जैसा होता है उसके लिए कोई नया रूप देना उसको, हालांकि कहानी में अपनी एक न्यूनेस जरूर, तो वी वांटेड टू ब्रिंग इट इन डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, कि 10-12 दिन पहले ही पिक्चर की रिलीज पे हम खेले। अनुष्का, हाउ वाज योर ओवरऑल, डिड यू एंजॉय बीइंग प्लेइंग अ गुजराती कैरेक्टर इन द फिल्म? सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट टू प्लीज। Yeah, I did. I mean, I think if you're working with a director like Imtiaz on a character that, you know, you've not attempted before, or a accent, or, you know, just basically however Sejal is, if you haven't done something like that before, then it gets very exciting and you feel actually kind of thrilled and confident ki ye, matlab, if you follow his directions properly, then it will come out good, because he has a lot of conviction as a director about his characters. And then, you know, my level of comfort that I share with Shah Rukh as a co-actor, is something that gives me a lot of that sense of calm, you know, to be able to attempt something like this, because I was a little skeptical in the beginning, like I used to keep telling him also, but I mean, if I'll be able to pull it off or not. But then I'm happy that people are liking it, and you know, they're liking Sejal, and it's credit goes to Imtiaz Ali. Imtiaz sir, aapke left. Yes sir. Amit from Dainik Jagran. Hi Amit. Yeah. इम्तियाज सर, शाहरुख सर ने आपको आज की तारीख का यश चोपड़ा कहा है। आपका जो रोमांस होता है, वो रोमांस किन चीज़ों की खोज होती है एक्चुअली, या आप क्या ढूंढ रहे होते हैं, या क्या कुछ कहना चाह रहे होते हैं अपने कैरेक्टर्स के जरिए? कुछ तो है जो मिला नहीं, जिसकी तलाश रहती है, वो क्या है ये नहीं पता होता। ये फिल्म के डायलॉग्स हैं जो आप इस फिल्म में देखेंगे। I was like, wow, he's being so deep with his answers suddenly. So, but it's the truth also. आपको एक्चुअली दरअसल पूरी तरह से नहीं पता होता, और कभी इंटेंशन ये नहीं होता है कि आप रोमांस की फिल्म बनाएं। जो कहानी आपके दिल में आती है आप वही कहानी बनाते हो, तो ये कहानी थी और वो आ गई है। ये कहानी कैसे आई थी जहन में, मतलब कोई, मतलब क्या कुछ कौन था? एक्चुअली मैं सच ही बता देता हूँ सर, प्लीज। तो एक बार मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि ऐसी फिल्म बनाओ जिसमें जगह जगह अलग अलग अच्छी जगहों पे जा करके शूट करना पड़े तुमको, और तुमको विजिट करने के लिए मैं भी आऊँ और वो सारी जगह देख लूँ एक ही फिल्म में। तो मैंने बोला ये तो बहुत सिंपल है, टूर गाइड पे फिल्म बना देता हूँ। तो उन्होंने कहा ये क्या कहानी हुई कि टूर गाइड है, और भी तो कुछ होना चाहिए। मैंने बोला नहीं, लड़की होगी फिर ये सब। तो ये ऐसे स्टार्ट हुई थी। फिर बहुत दिन के बाद मैं शाहरुख सर से मिलता रहता था बीच बीच में, तो उन्होंने कहा कि कोई कहानी है तुम्हारे पास, तो मैंने एक कहानी सुनाई। फिर उन्होंने कहा अच्छा कोई और है, तो मैंने बोला एक बहुत ही चीप कहानी है वो आप सुनना पसंद करोगे? तो उनका इंटरेस्ट जाग गया, उन्होंने कहा हाँ ये सुनाओ। ऐसे कोई कहानी नहीं है, ऐसी वाली है, बहुत सिंपल है, ऐसे वैसे करके। वो एक्चुअली मैंने ज़्यादा पूरी सोची भी नहीं थी, मैंने उनको सुना दी, तो उन्होंने बोला ये तो ठीक है ये बनाते हैं। सो दैट्स हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस।